Yeah, I'm sure. Yeah, it'll be great. Good morning. Yeah, we'll meet at 3 o'clock. Good morning. Okay, bye. See you. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. Good morning, madam. Morning. Yeah, progress report, madam. Thank you. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग पायल। हे दिशा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे लिए प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था। अच्छा? शायद उन्हें कोई जरूरी काम था तुमसे। हेलो, हाँ दिशा बोल रही हूँ। मेरे लिए फोन किया था क्या? कल शूटिंग है और आज मॉडल्स बदलने? व्हाट नॉनसेंस। जो डिसाइड किया है वही करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। मॉडल्स भेज दो, मैं मिल लेती हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली दिशा। स्कूल डेज की तरह गुस्सा आज भी तुम्हारी नाक पर रहता है। अच्छा ये स्टोरी बोर्ड है। दिशा मैडम है। दिशा मैडम, मिलना है उनसे। एक मिनट। या बट आई थिंक दिस मैन शुड बी फेसिंग हियर। दिशा मैडम, आपसे कोई मिलने आया है? लड़का है या लड़की? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है मैडम। हाँ अच्छा भेज दो। ओके मैडम। एंड आई थिंक इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके। आप मुझसे मिलने आए हैं? दिशा सिद्धार्थ आप ही का नाम है? जी। आपके लिए मैं कुछ लाया हूं। क्या? चाबी? किसी खजाने की होगी? खजाने की नहीं, बंगले की चाबी है ये। बंगला नंबर 400, पाली हिल। तो मैं क्या करूं? आज से ये बंगला आपका है। आपके नाम कर गया है कोई। दिखाओ। लेकिन ये बंगला मेरे नाम पे किया किसने? ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपका ही कोई रिश्तेदार आपके लिए छोड़ के मरा है। दिशा ये देखो, ये क्या है? सुनिए, अरे ये कहाँ चला गया? रुकिए, सुनिए जरा। दिशा तेरी तो किस्मत खुल गई, 3 बेडरूम का बंगला और वो भी पाली हिल पे। लेकिन ये बंगला है किसका और मेरे नाम पे क्यों किया है? अब जिसका भी है, अब तेरा है ना, चिल। हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? जैसा लगता है मैंने आपको कहीं
देखा है पहले, आप जानते हो मुझे? अच्छा तो आप खेलना चाहते हैं? यहाँ पर है, आपका नाम क्या है? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका नाम क्या है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। ए क्या हुआ मैडम? अरे वो बच्चे को देखिए, आपका चीज़ वो बच्चे का चेहरा। कौन बच्चा? मैडम आप भी बच्चा नहीं। मैडम आप कैसी बात कर रही हैं? अरे वहाँ पर एक बच्चा था, मैंने देखा उसका चेहरा। कुछ गलत फहमी होगी मैडम, चलिए आप लोग चलिए प्लीज, चलिए प्लीज। सिद्धार्थ मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस बच्चे को देखा था। सिद्धार्थ तुम सुन रहे हो ना? हाँ बाबा मैं सुन रहा हूँ। पता है पहले वो बच्चा एकदम नॉर्मल था, फिर अचानक उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि टीवी पे तुम इतने हॉरर शोज देखती हो इसीलिए तुम्हें ये सब दिखता है। तो तुमको लग रहा है ये सब मेरा वहम है, मैं हवा में बातें कर रही हूँ? वो तो है, सरदर्द तुम्हारा पहले से हो रहा था और ये सब उसी का असर। दिशा तुम्हारी टैबलेट्स कहाँ हैं? मेरी पर्स में। दिशा ये फाइल। अरे मैं तुम्हें बताने ही भूल गई, किसी ने बांद्रा पाली हिल में 3-bedroom हॉल किचन का बंगलो मेरे नाम पे किया है। क्या 3-bedroom का बंगला बांद्रा पाली हिल? तुम सच कह रही? हाँ। लेकिन तुम्हारी फैमिली में इतना दिलदार कौन पैदा हो गया? ये तो मैं नहीं जानती, एक अजीब सा आदमी आया था ऑफिस में, ये फाइल थमाकर चला गया। और तुमने उससे पूछा नहीं कि उसे किसने भेजा है? पेपर्स तो असली हैं, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई तुम्हारे नाम पे। सिद्धार्थ हर आदमी की जिंदगी में एक सपना होता है कि काश ये मेरे साथ में हो, काश मेरे नाम पर कोई अपनी जमीन जायदाद करके चला जाए, और मेरा ये सपना पूरा हो गया है सिद्धार्थ। दिशा पूरी दुनिया में सबको छोड़कर कोई तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी क्यों छोड़ के जाएगा, उसे तुम जानती तक नहीं। कोई तो राज है इसके पीछे। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब हमारे नाम पर एक इतना बड़ा बंगला है तो हम इस किराए के घर में क्यों रहें। तो ये बात है, एनीवे कुछ गड़बड़ तो है, चलो सो जाते, कल सुबह बात करेंगे।
कोई बच्चा नहीं, खुद देख लो। सिद्धार्थ है, प्लीज देखो वहाँ पे। खुद देख लो, वहाँ पे कुछ नहीं। बच्चा कहाँ गया? सिद्धार्थ, मैंने वहाँ पर एक बच्चा लटका हुआ देखा था। दिशा, दिशा, ये तुम्हारा भ्रम है। अंधेरे में ऐसी चीजें दिख जाती हैं। नहीं सिद्धार्थ, मैंने वहाँ पर एक बच्चे को लटका हुआ देखा था पेड़ पर, अभी वहाँ पर ही था। दिशा, कुछ नहीं, चल। नहीं सिद्धार्थ, चल, कुछ नहीं, कम। सिद्धार्थ, वो बच्चा यहाँ पर था, मैंने देखा यहाँ पर। तो कहाँ चला गया? इतनी रात को फोन कौन कर रहा है? हेलो, दिशा जी हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ? तुम्हारे लिए फोन है, किसी औरत का। मेरे लिए इतनी रात को? हेलो, दिशा सिद्धार्थ बोल रही हैं। जी, आप कौन? बांद्रा पाली हिल का 400 नंबर का बंगला आप ही का है ना? बंगला नंबर 400 पाली हिल, आज से ये बंगला आपका। हाँ जी। तुम उस बच्चे का रोना बंद क्यों नहीं कराती? लगातार रो रहा है, या तो उसे यहाँ से ले जाओ या आप, फिर आप क्या कह रही हैं? कौन सा बच्चा? घर तुम्हारा है ना, तो बच्चे के बारे में क्या हम पड़ोसियों को मालूम होगा? 12 बजे से रोना शुरू करता है, 2 बजे तक लगातार रोता रहता है। कुछ करो वरना नेक्स्ट टाइम मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। कौन था, क्या हुआ? अभी जो बंगला मिला है वहां पर से कोई पड़ोसी था। अरे इस बंगलों की तो शक्ल सूरत भी नहीं देखी, और पड़ोसियों का फोन आना शुरू हो गया, वो भी इस वक्त। कह रही थी उस बंगले में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बच्चा? दिशा, वो बंगलो खाली है। सिद्धार्थ, कहीं ये बच्चा वही तो नहीं? कम ऑन दिशा, तुम सोते जागते उस बच्चे के बारे में सोचती हो। हम कल खुद जाकर वहां चेक करेंगे क्या चक्कर है। एड्रेस क्या है? बांद्रा पाली हिल, बंगलो नंबर 400। बाहर से तो ये बंगला काफी अच्छा है। अच्छा, कल तो बहुत बुराई कर रहे थे। अब कभी कभी मैं तुम्हारी भी बुराई करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि। हाँ, बस चले। बंगला तुम्हारा है,
तुम्हारी इजाजत हो तो। घर तो काफी अच्छा है लेकिन कुछ अजीब सा है, है ना? तुमने भी वो आवाज सुनी थी ना? हाँ। तिशा, क्या हुआ? यू ओके? बहुत ठंडी लग रही है, वहां कहीं से हवा आ रही है। लेकिन मुझे तो कोई हवा नहीं लग रही। आई कहां से? मैं उधर देता हूं। वो बच्चा यहाँ भी था? हाँ सिद्धार्थ, मैं उस कमरे से बाहर इसलिए निकली क्योंकि वो वहाँ से भागा था। मेरा विश्वास करो सिद्धार्थ, मैंने वहाँ पर उसको देखा है। दिशा, मैं बाहर था, मैंने उस बच्चे को नहीं देख लिया। तुम्हें नहीं दिखा दिया तो मैं क्या करूँ, लेकिन वो यहाँ पर था। मैं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है इस घर में कुछ गड़बड़ है, हमें घर जाना चाहिए, प्लीज घर चलो। दिशा, अगर हम चले गए तो क्या? तो कैसे पता चलेगा कि इस घर में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम्हारा ये वहम दूर करना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बच्चे के बारे में क्या राज है। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, प्लीज यहाँ से चलो। दिशा, तुम जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। तुम यहाँ पर अकेले नहीं रुकोगे सिद्धार्थ। कुछ नहीं होगा, मुझे सिद्धार्थ प्लीज। ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम जाओ प्लीज। आई प्रोमिस यू कुछ नहीं होगा, ओके?
हेलो दिशा, मैं पायल बोल रही हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है। अरे लेकिन प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, जल्दी आना। हाँ मैं पहुँच रही हूँ। बाय बाय। मैंने तुम्हारे उस पाली हिल वाले बंगले के बारे में पता किया है। क्या यही कि उसका मालिक कौन है? कौन है? सुमित, सुमित कुमार। ये सुमित कुमार कौन है? याद करो दिशा, वो हमारे साथ स्कूल में था। सुमित कुमार? सुमित हाँ, वो तो हमारी क्लास में था, लेकिन उसने अपना बंगला मेरे नाम पे क्यों किया है? ये तो वही बता सकता था। था मतलब? उसकी मौत हो चुकी है। क्या? और वो भी बड़े अजीब तरीके से। आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि उसने खुदकुशी की या उसका खून हुआ। खून? हाँ। और तुम्हें पता है वो खून कहाँ हुआ? कहाँ? उसी बंगले में जो उसने तुम्हारे नाम किया। और लोगों का कहना है कि उस बंगले में जरूर कुछ गड़बड़ है, अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं रात को। सिद्धार्थ? क्या हुआ सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ वही उस बंगले में है और एकदम अकेले। फोन इस वक्त thank you.
हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, कहीं सिद्धार्थ को कुछ हो तो नहीं गया। ये क्या कह रही हो, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। प्लीज दिशा, तुम मेरी बात मानो, पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक हो? मुझे क्या होना है? लेकिन तुम लोग किस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? सिद्धार्थ, पता है ये बंगला मेरे एक पुराने दोस्त का है, ये बंगला सुमित का है। हाँ तो? उसकी मौत हो चुकी है। इसी घर में? हाँ, इसी घर में। लेकिन इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? सिद्धार्थ, सुमित की मौत बहुत अजीब ढंग से हुई, आज तक किसी को पता नहीं चला है कि उसकी डेथ हुई कैसे। आई एम टेलिंग यू, इस बंगले में कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। दिशा, फिर वही बात कर। अब तो मेरी बात सुनो, हमें से यहाँ पर कोई नहीं ठहरेगा, तुम मेरे साथ में घर चल रहे हो। दिशा, लेकिन मेरी... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चलो पायल। दिशा, मेरी बात तो सुनो। चलो तुम घर। दिशा, सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा काम में मन ही नहीं लग रहा। क्या करूँ पायल, वो बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। वो बंगला, बच्चे का डरावना चेहरा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तुम जरा मुझे वो बंगले की फाइल फिर से दिखाना। क्यों? दिखाओ ना। हरिंद्र, आई एम श्योर ये उसी आदमी का नाम है जिसने ये बंगला तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया है। तो ये हमें बंगले के पीछे छुपा हुआ राज बता सकता है। उस वकील का एड्रेस लिखा है यहाँ पर? हाँ। ओ तो चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हम दिशा, मैं तुम लेने आया। लेकिन सिद्धार्थ, हम मैं लोग कुछ जरा नहीं सुनना चाहता, मैं अपनी वाइफ को डिनर पे ले जाना चाहता। कहाँ पे? चलो तो सही। दिशा तुम जाओ, मैं देख कर आती हूँ। थैंक यू। लेकिन सिद्धार्थ, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? हमें अगर डिनर ही करना है तो किसी और रेस्टोरेंट में भी तो कर सकते हैं ना। एक बार अंदर आके तो देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। मैं अंदर नहीं आने वाली। अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया? सिद्धार्थ, अंदर वो बच्चा है ना। अगर वो बच्चा होता तो मुझे भी दिखता ना। मेरा विश्वास करो, अंदर कोई बच्चा नहीं। नहीं सिद्धार्थ, मैं अंदर नहीं आऊंगी। दिशा प्लीज, एक बार मेरे लिए कम कम सिद्धार्थ, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा इस बंगले का क्या सीक्रेट है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करूंगी कि तुम याद रखोगे। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरा यकीन कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो ये बंगला मेरी दोस्त के नाम कैसे हुआ, किसने किया? हवा में से पेपर्स आ गए। देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह बंगला कुछ लोगों के नाम पर अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। मेरे पास तो पोस्ट से पेपर्स आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है? उनके साथ क्या होता है? उनके साथ बहुत बुरा होता है। बुरा होता है? ये बंगला दिशा से पहले किस किस के नाम था? किसके नाम था? एक मिनट, एक मिनट। ये इन लोगों के नाम पर था। अमर, वीना, शीतल, अभिषेक,
और सुमित, ये सब तो हमारे साथ स्कूल में थे। क्या? सबसे पहले बंगला किसको मिला? सबसे पहले ये प्रज्वल को मिला। प्रज्वल को ये बंगला किसने दिया था? प्रज्वल से पहले ये बंगला इस फैमिली का था, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ। इनका एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा सा था, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उसे तंग करते थे। वे बच्चे हम ही थे। टिमी, अब आएगा असली मजा। दिशा, सुमित, वो देखो कौन आ रहा है। ए, टिमी, कुछ करना है? हाँ, जो रोज करते हैं वही करेंगे। ए टिमी, रुक। ए टिमी, रुक जा। चल टिमी, अपना टिफिन दिखा। नहीं। अरे दिखा तो सही, क्या लाया? केक या बिस्किट? तुम हर रोज मेरा टिफिन लेते हो, अपना क्यों नहीं लाते? तू लाते ना हम सबके लिए, तो हम क्यों लाए? तुम मुझे जाने दो। चल दे टिफिन। नहीं 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 नहीं। बेचारा, स्कूल में दोस्त तंग करते थे और घर में मां जान के पीछे पड़ी रहती थी। आखिर एक दिन तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारे ने खुदकुशी कर ली। हाँ, टिमी। हाँ, उसका नाम टिमी था, उसको जानती थी। इसका मतलब है कि टिमी हम लोगों से बदला ले रहा है। So sweet. ये सब तुमने मेरे लिए किया है? हाँ, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। आओ। Have a seat. तुम थोड़ी देर मेरी मेहनत देखो, मैं भी आया। लेकिन सिद्धार्थ, यूं गया और यूं आया। कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। कैसा लगा इसे? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अगर तुम चाहो तो थोड़ी तारीफ कर सकते हो। सच कह रही हूँ सिद्धार्थ, शायद मैं ये शाम जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सिद्धार्थ!
खून यहाँ कैसे? सिद्धार्थ, मैंने कहा था इस घर में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं। चलो सिद्धार्थ। रामुत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। नहीं सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज घर चलो। कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। दिशा, मैं निकालना, चलो। सिद्धार्थ, मेरी बात मानो, प्लीज घर चलो। के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।